नमस्कार साथियों, मैं उमा शंकर। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का वेलकम है। साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इसमें हम आज सीखेंगे डिस्प्ले वाल क्या है और डिस्प्ले वाल को की बिलिंग किस तरह से किया जाता है। उसके साथ साथ डिस्प्ले वाल में जो बिल कट गया है, उस डिस्प्ले वाल की जो बिलिंग को कैसे रिटर्न किया जाए, ये सारी बातों पे हम आज इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, डिस्प्ले वाल क्या होता है? साथियों, डिस्प्ले वाल एक बहुत ही बेहतरीन ऐप्स है जिसे RCM बिजनेस ने लॉन्च किया है। हर डिस्ट्रीब्यूटर साथी के पास डिस्प्ले वाल होना अति अनिवार्य है। डिस्प्ले वाल एक बिलिंग ऐप्स है जिसके माध्यम से आप 100 से लेकर करोड़ों का स्टॉक रख सकते हैं। और करोड़ों के स्टॉक रखने के साथ साथ इसमें आप अपने एसोसिएट जो मेंबर्स हैं, जो अपने डाउनलाइन हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप बिल कर सकते हैं, उसको प्रोडक्ट भी दे सकते हैं और वहां पर बिल दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक छोटा POC है, मान लो आप उसमें आप एक POC के जिस तरह से POC से बिलिंग होता है, उसी तरीका से आप अपने डाउनलाइन को आप बिलिंग कर सकते हो। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप बाहर के जो व्यक्ति या क्रॉस लाइन है, उसमें आप इस डिस्प्ले वाल से अपने डिस्प्ले वाल से आप बिलिंग नहीं कर सकते, पहली बात। उसके बाद जो आपके एसोसिएट बायर हैं, उसी के में ही आप बिलिंग कर सकते हैं। तो डिस्प्ले वाल रखने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपके आसपास में कोई वंडर क्यूब या कोई POC नहीं है, तो उसके कारण से आप अपने घर में डिस्प्ले वाल रख सकते हैं और वहां पर आपका आपको एक नेटवर्क फैलाने में आपकी वहां पर बहुत ही सहायता होगी। आप जैसे कि 20,000 का आपके घर में स्टाफ रखे हैं और ज्वाइनिंग करा रहे हैं, आपके नीचे में आपको ज्वाइन करा रहे हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट तुरंत प्रोवाइड करा सकते हैं। अब प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने के साथ साथ उसकी आप बिलिंग कर सकते हैं, पक्का बिल भी देख सकते हैं। जिस तरीके से पक्का बिल उसके मोबाइल पे आप सेंड कर सकते हैं। ये डिस्प्ले वाल है, अब बहुत ही यूनिक ऐप्स है डिस्प्ले वाल। तो ये डिस्प्ले वाल की हुआ। हम अगले वीडियो में आप कमेंट जरूर करिए, हम डिस्प्ले वाल के क्या क्या फायदे हैं इसकी हम वीडियो जरूर लेके आएंगे। और वीडियो को लाइक भी आप जानते हैं कि डिस्प्ले वाल में हम बिलिंग कैसे किया जाता है, डिस्प्ले वाल में किस तरह से बिलिंग करते हैं, ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले वाल में बिलिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, डिस्प्ले वाल का POS जो ऐप्स है उसमें आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना होता है, लॉगिन करने के बाद सबसे सेल इमेज के ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको इंटर ID नंबर का ऑप्शन आता है। उसमें आप अपने ID नंबर को क्या करते हैं, उसमें टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद आप उसमें सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको सारे प्रोडक्ट का, आपको क्या क्या प्रोडक्ट आपके पास है, क्या न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट, क्या ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, आपके सारे डिस्प्ले वाल में दिखाएंगे। तो वहाँ पर बगल में एक स्क्वायर बॉक्स है, उसको राइट करना है। उसके बाद इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि बैलेंस में आपके पास कितना प्रोडक्ट है, उसमें माइनस करने का 1, 2, 3, प्लस करने का, माइनस करने का आपको दिया रहेगा। जैसे कि न्यूट्री चार्ज का 5 आपके पास स्टॉक है, तो अगर आप न्यूट्री चार्ज का 3 ही आप स्टॉक में तीन न्यूट्री चार्ज पैक काटना चाहते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आपको 1, 2, 3 करके आप प्लस में जाकर कर सकते हैं। अगर किसी को कम करना है तो माइनस कर सकते हैं। इस तरीके से सारे स्क्वायर बॉक्स में आपको राइट करना है कितना BV है, नीचे में दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बिल अमाउंट 1894 का। अब उसके बाद इस तरीके आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप शेयर रिसीव करके आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो आपको बिल आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के ID पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप सेल बिल काट सकते हैं। अब प्रोसेस जानते हैं साथियों कि बिल को रिटर्न कैसे किया जाता है, अगर मानो गलती ID है उससे कैसे किस तरह से रिटर्न किया जाता है। चलिए स्क्रीन पर तब जानते हैं किस तरह से रिटर्न किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको RCM ऐप्स के 3 लाइंस पे आप क्लिक करना है। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन में जाना है। ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो आपको वहाँ पर रिटर्न सेल का ऑप्शन आता है, सेल रिटर्न का ऑप्शन आता है।
सेल रिटर्न के बाद में आपको एट का ऑप्शन था, एट का ऑप्शन आता है, तो आपको जिस अगर आप सेल बिल किसी की भी आईडी में काटे हैं तो उसकी आईडी में का उस जो बिल है बिल के नंबर आपको उसमें टाइप करना होगा। तो उसमें यहाँ पर बिल नंबर मांगेगा, तो बिल नंबर जैसे कि 16 है, यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया 16, तो उसके बाद देख सकते हैं उमा शंकर की आईडी में सारे जो डिस्प्ले वाले में 5192 का जो प्रोडक्ट आ गया, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेगा आपको, एक्सपायरी डेट, उसके बाद नो लॉन्गर यूजेबल, उसके बाद आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से ये तीन तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर नो लॉन्गर यूजेबल में रखता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट में आपको रिटर्न करना है, सारे प्रोडक्ट रिटर्न करना है, तो यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ आपको उस नीचे में रिटर्न सारे देख सकते हैं, यहाँ पर कितना 3800 कुछ पीवी बन रहा है, उसके 5100 रिटर्न अमाउंट हुआ है, ये इसको आप सेव करेंगे। सेव करेंगे तो इस तरह से आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, या जिसके डिस्ट्रीब्यूटर है उसके मोबाइल पे क्या आएगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी को सबमिट करते हैं, जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपके जो डिस्प्ले वाल में है सारे के सारे जो बिल काटे रहेंगे वो रिटर्न हो जाएंगे। ये अच्छी सुविधा दिया हुआ है, आप इसका यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस बढ़ा सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो डिस्प्ले वाल का जो यहाँ पर स्टॉक है जो 6582 का इतना का हो गया है, आप देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।